VA टेक वबाग के बारे में। 1000 शेयर हैं, 275 रुपए के भाव पर हैं, भविष्य इसका कैसा लग रहा है, ये पूछ रहे हैं हीरेन मोदी गुजरात से। सो वबाग कंसोलिडेट तो कर रहा है, पॉसिबल है कि इसका बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। मैंने इसका रिजल्ट इधर ट्रैक नहीं किया है, आ गया है अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। अगर रिजल्ट अच्छा है तो देख के लग रहा है कि चांसेस हैं बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। अब बॉटम फॉर्मेशन का थोड़ा कंफर्मेशन 260 के क्लोज पे है, तो 260 का क्लोजर टू अभी वहां पे 100 DMA भी आके बैठा है। तो एक है कि 50 DMA बिल्कुल क्लीन है, हो चुका है क्लियर, 100 DMA के पास अटक रहा है, लेकिन 100 DMA के ऊपर 260 के ऊपर क्लोज पे ब्रेकआउट हुई है, और वो ब्रेकआउट है तो कम से कम 200 DMA तो टेस्ट हो जाएगा, जो कि क्लोजर टू 290 है, उसका हो सकता है कि 5% का फैक्टरिंग डाउन साइड में हो। तो अब इसको स्टेप वाइज तोड़ें तो एक्स क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ वाटेक वबाग लग रहा है बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। बॉटम फॉर्मेशन कब तक वैलिड है, जब तक अब ये 235 के नीचे क्लोज नहीं होता है। 235 के नीचे क्लोज होता है तो शायद ये बॉटम फॉर्मेशन चैलेंज हो जाएगा, वो उस समय वैल्यूएट करें, लेकिन चैलेंज हो जाएगा। 50 DMA के ऊपर है तो अपसाइड जाने के चांसेस हैं, 100 DMA तक हैं। 260 के ऊपर क्लोज मिलेगा तो फिर ब्रेकआउट निकलेगा और फिर टुवर्ड्स 280 के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा, ये अभी देख के समझ में आता है। तो मान के चलिए कि फिलहाल एक छोटा सा रेंज है 240 से लेके 255 तक का, 5-5 पॉइंट्स का ऊपर और नीचे बफर दीजिए, उसके ऊपर का या नीचे का क्लोज मिलने के बाद इसका इधर से एक बड़ा मूवमेंट हो। जी सुमेश, इसके चार्ट में ये तो दिख रहा है कि थोड़ा सा ये अपनी गिरावट की रफ्तार इसने रोक ली है, लेकिन एक बेसिक पैटर्न जो आप कहते हैं कि मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम वाली संरचना, अभी क्या उससे बाहर निकल पाया है या उसके लिए हमें कम से कम 260 के ऊपर जाने का इंतजार करना पड़ेगा, जिसका आपने जिक्र किया कि वो एक ब्रेकआउट पॉइंट होगा। एक्चुअली दो तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। अगर रिजल्ट आ चुका होता तो मैं इसका डिसीजन बेहतर ले पाता। मेरा हमेशा प्रेफर्ड ट्रेड रहता है बॉटम फिशिंग, और उसमें मैं अर्ली जाने की कोशिश करता हूँ। सो दो तरीके होते हैं अच्छे पैसे बनाने के। एक होता है अगर आपको टर्न अराउंड कंपनी समझ में आए, तो टर्न अराउंड कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही सेलेक्ट सेक्टर में ही समझा जा सकता है, हर जगह नहीं समझा जा सकता। वैसे ही बॉटम फॉर्मेशन बहुत अगर फंडामेंटल और प्राइस पैटर्न को मैच कर दिया जाए तो बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ पे एक फेयर इंडिकेशन है, एक फेयर इंडिकेशन है, मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट हो चुका है इसका फॉल, बिकॉज प्राइमरी स्ट्रक्चर बेरिश है, लग रहा है कि फ्यूचर बुलिश होगा थोड़े समय में। कहाँ से सहारा आएगा, रिजल्ट से। अगर रिजल्ट ठीक नहीं है, एक्सपेक्टेशन बीट नहीं करता है, तो 235 भी टूट जाए। अदरवाइज इसमें चांस यही देख के लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन है। अब कहना दूसरा जो आपने पूछा उसका जवाब ये है कि मोमेंटम कब आएगा या ब्रेकआउट कब होगा। तो ब्रेकआउट के लिए फिलहाल मेरे पास 260 का क्लोज है, जिसके ऊपर एक पार्शियल ब्रेकआउट है जिसको 200 DMA के पास ले जाएगा। नॉर्मली स्टॉक में 100 DMA के पास थोड़ा थकान होती है, लेकिन 200 DMA पहुंच जाता है डिपेंडिंग अपॉन बुयांसी कैसी है। इसमें बुयांसी बहुत ज्यादा नहीं है। कहाँ से आएगी, रिजल्ट से आएगी। अगर रिजल्ट आ गया तो 200 DMA के पास पहुंच जाएगा, अदरवाइज कोलैप्स हो जाएगा फिर से। जी, तो इन स्तरों का ध्यान रखें, डेवलपमेंट्स पे नजर रखें, नतीजों पे नजर रखें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए।